हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम बात करते हैं, आज के लिए नया वीडियो आपके लिए हम लाए हैं। तो हम आपको बताते हैं मशीनिस्ट थ्योरी इंट्रोडक्शन, जो हमारे क्वेश्चन जो आईटीआई फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड या फोर्थ में जो क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार आते हैं, तो उसके बारे में आपको बताते हैं। तो हमारे गाइस सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो अंत तक पूरा देखिए। जय हिंद। तो हमारा क्वेश्चन है, हमने चार आंसर ऑब्जेक्टिव आंसर दे रखे हैं, हमने चार यहाँ ए बी सी डी हमने फोर आंसर यहाँ दे रखे हैं। तो हम आपको बताते हैं इसमें, तो हमारे पास आंसर है और वस्त्र को उठाने से पहले पैर एक दूसरे से लगभग कितनी दूरी पर होनी चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हो डैश डैश जो दिखा रहे हैं, जो निशान है ये रिक्त स्थान बोलता है। यहाँ पे जो भरेगा क्या आंसर आया वहां लिखना पड़ेगा, एक 16 इंच, दूसरा 17 इंच, तीसरा 19 और चौथा है 18 इंच। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो जिम करते हैं, जो पंजे होते हैं हमारे पैर के, वो कभी आपने देखा होगा कि जब भी वजन उठाते हैं सीधा ऐसे उठाते हैं, वही पंजे जो होते हैं पैर खोल के, पूरा पैर ऐसे खोल के, ऐसे नहीं ऐसे खुल जाता पैर। तो आप बताते हैं कितना दूरी होता है। तो आप हमारे पास 16 इंच है, 17 इंच, 19 इंच, 18 इंच। हम कोई भी वस्तु उठाते हैं या घरेलू उपयोग करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, हमारा पंजा ऐसे जुड़े होते हैं, पैर ऐसे रहते नहीं है, हमारे हल्के पैर ऐसे होते हैं या थोड़ा ऐसे या ऐसे। तो इनका जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, वो कितना होती है उठाते हैं। तो हमारे पास चार आंसर हैं ए बी सी डी, ठीक ओके। तो हम बात करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा। तो 16 इंच होता नहीं है, 17, 19, ये जो हमारा है 18 इंच। तो जो रिक्तस्थान जो खाली जगह होता है, तो हम यहाँ भरेंगे 18 इंच, ये हमारा आंसर। जो हमारा डिस्टेंस जो ऐसे होता है, पैर जो खुला होता है, उसका जो गैप की दूरी होती है वो 18 इंच होनी चाहिए। तो आप लोगों ने देख लिया, बहुत सी सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। और कृपया करके ऐसे ही वीडियो लगातार आप देखते रहिए, जिससे आपको सीखने मिले और जानकारी हो। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर, जिससे कि आप लोगों को जानकारी हो और दूसरे वाले को। तो ऐसे मैं जुड़े रहिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर वाले और खासतौर आईटीआई वालों के लिए ये बहुत ही क्वेश्चन जो है। तो आप लोगों ने ये देख लिया होगा, इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन हल करते हैं और आंसर ऐसे ही आते हैं आईटीआई पेपर में। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इसी प्रकार से लिखा जाता है। जय हिंद।